So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V30e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर फ्लैश लाइट रिमाइंडर सेटिंग्स को ऑन कैसे करेंगे। गाइस, ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं, इसको अगर आप टर्न ऑन करते हैं तो जब भी आपकी स्क्रीन की लाइट ऑफ होगी, दैट मींस बंद होगी, तो कोई भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह आती है तो आपके रियर कैमरे की जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी, मींस की बंद होगी, जलेगी। तो इस तरीके से, एक तरीके से अगर आप रात के समय अपने फोन को एक्सेस करोगे ना, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके फोन पर कोई कॉल आ रहा है या फिर कोई एसएमएस वगैरह आ रहा है। वेल गाइस, फोन के अंदर इस सेटिंग को टर्न ऑन करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा है, स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स होगी शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, जस्ट आप इस प्रेस करेंगे इसको ऑप्शन पर। एंड गाइस, इस तरह से अगेन आपने मल्टीपल ऑप्शन शो करेगा, वापस स्क्रॉल ऑन करके आना है। इसमें एक सेटिंग्स और मिल जाती है, फ्लैश नोटिफिकेशन, एंड उसके नीचे मेंशन मिल जाएगा इनकमिंग कॉल्स, एक बार इसको प्रेस करना है। एंड ये अगर ऑप्शंस अनचेक है, दैट मींस आपके फोन में अभी ये ऑप्शन डिसेबल है, तो इनेबल करना होगा इसे। तो आपने इसको इनेबल करेंगे, टर्न ऑन का ऑप्शन होगा, प्रेस करेंगे एंड ये ऑप्शंस आपके फोन पर ऑन हो जाएगा। देन जब भी कोई कैलेंडर का इवेंट वगैरह रिमाइंड कराएगा तब भी ये ब्लिंक करेगी, इवन गाइस इनकमिंग कॉल्स पर भी करेगी, और नीचे मेंशन भी आपको मिल जाता है कि जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तभी ये फीचर काम करेगा। तो इस टाइप से आपने फोन के अंदर जो है लाइट नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑन करके अपनी जो है इनकमिंग कॉल्स पर उसकी लाइट को, रियर कैमरे की बैक लाइट को ब्लिंक करा सकते हैं। आई थिंक ये समझोगे कॉल आने पर फ्लैश लाइट रिमाइंडर सेटिंग को इनेबल कैसे करना था। एंड फिर भी इसके रिकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजिंग होती है सो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।